स्कूल की छुट्टी के बाद लाल कोठी में जाएंगे। उस कुंडी में किसी ने ना एक पतला सा रस्सी बांध के रखा था, इवन कुछ कुछ जगह में ना हड्डियां भी गिरे हुए थे। उसके पीछे से कोई उसे फुसफुसा के बुला रहा है। हेलो इनिस फैम, आज मैं आ चुकी हूँ आपके साथ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की लाइफ स्टोरी शेयर करने। एंड आज ना मैं आपसे एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने ना होते हुए देखा है, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई थी। एंड अभी तक मैं सोच रही थी कि क्या मुझे ये शेयर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आई डोंट नो लोग इसको अंधविश्वास समझेंगे या फिर रियलिटी में इसको बिलीव करेंगे। अगर मैं ना ये अपने आंखों के सामने होते हुए नहीं देखती तो शायद मैं भी इसको कभी विश्वास नहीं कर पाती। ये इतना ज्यादा अनबिलीवेबल इंसिडेंट है। बट गाइस आई स्वेयर ये जो इंसिडेंट है ना, ये 100% एक ट्रू इंसिडेंट है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस अभी रिसेंटली मेरे बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बने हैं एंड उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मेरी फ्रेंड प्रीति का हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। प्रीति के साथ मेरी फ्रेंडशिप थोड़े दिन पहले ही फ्रेंड ऐप में हुई है एंड अभी तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है, रोज बात करते हैं हम। आप लोग भी फ्रेंड ऐप से घर बैठे बैठे न्यू फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस बना सकते हो। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था रिसेंटली। शी मेंशन्ड इट्स वेरी कूल। इसे ऑलरेडी 10 करोड़ लोग यूज करते हैं नए फ्रेंड्स बनाने के लिए थ्रू कॉल। यहाँ पर आप अपना खुद का अवतार बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल और एक्सपीरियंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। कितने सारे लोग ऑलरेडी ढेर सारे कनेक्शन बना चुके हैं। सीम्स फन। और तो और ये आपको ग्रूमिंग में भी हेल्प करता है। कितना यूनिक फीचर है। और मुझे पता चला है कि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा फीचर है जहाँ उनको गिफ्ट्स मिलते हैं जिसको वो रियल मनी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वाओ, ऐसे टाइम पे हमें लगता है कि सिक्योर प्लेटफॉर्म हो, कुछ फेक ना हो, उसकी भी चिंता मत करो। ये वॉइस वेरिफिकेशन यूज करते हैं जिससे कोई भी फेक अकाउंट नहीं बना सकता। और अगर आपको किसी का बिहेवियर सही नहीं लग रहा है, सिंपली ब्लॉक देम। मुझे बड़ा सही लग रहा है ये ऐप, मैं तो यूज करती रहूंगी, हो सकता है आप में से कोई कनेक्ट हो जाए। फ्रेंड ऐप का लिंक मैंने पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अभी जाकर अपना अकाउंट बनाएं और नए दोस्त भी। सो जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये जो इंसिडेंट है ये मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई थी। तो बचपन में मैं इस घर में नहीं रहती थी, मैं बचपन में एक दूसरे घर में रहती थी, वो बेलघरिया में है। तो मेरे जो बचपन की जो सहेली है उसका भी घर बेलघरिया में मेरे घर के एकदम सामने ही था। मेरी फ्रेंड जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका नाम था विद्यानिकेतन गर्ल्स हाई स्कूल। वो स्कूल आज भी वहीं पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा साल का ये बात नहीं है। गाइस मैं मेरी फ्रेंड की रियल नेम नहीं एक्सपोज करना चाहती, तो आज की वीडियो में हम उसे श्रेष्ठा कह के बुलाएंगे। तो श्रेष्ठा मेरे घर के एकदम सामने रहती थी और बचपन से ही वो अलग स्कूल में पढ़ती थी, मैं अलग स्कूल में पढ़ती थी, तो हम दोनों के ही फ्रेंड सर्कल थोड़े अलग थे। बट क्योंकि वो मेरे घर के एकदम पास रहती थी तो जब भी हम शाम को खेलने निकलते थे तब हम दोनों हर रोज मिलते थे। श्रेष्ठा का जो स्कूल था उस स्कूल से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में एक एबंडेंड महल था, बहुत पुराने जमाने का, अंग्रेजों के जमाने का एक महल। और वहाँ पे अभी कोई भी नहीं रहता है, कोई जाता भी नहीं है, देख के ऐसा लगेगा ना कि वो एक खंडर जैसा बन चुका है। बट वो महल ना बहुत बड़ा था। उस जगह में ना बोला जाता था कि उस महल में किसी को भी शाम के बाद या फिर सूरज ढलने के बाद नहीं जाना चाहिए। और तो और वो जगह इतना ज्यादा अजीब सा था कि वहाँ पे ज्यादातर लोग सुबह की रोशनी में भी नहीं जाते थे। उस हवेली का नाम था लाल कोठी। उस टाइम पे हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते थे और ज्यादातर टीनेजर लोगों को ना ये सब चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, जैसे कि पैरानॉर्मल चीजें, किसी भी एबंडेंड या फिर हॉन्टेड हाउस में जाके उसको एक्सप्लोर करना। मुझे भी बचपन से ये बहुत अच्छा लगता था ऐसी चीजें। तो एक दिन श्रेष्ठा और उसके स्कूल के जो ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे उन्होंने मिलके प्लान बनाया कि वो स्कूल की छुट्टी के बाद लाल कोठी में जाएंगे। गाइस वो ना विंटर का टाइम था एंड विंटर टाइम में ज्यादातर ना सनसेट जल्दी हो जाता था। जब उन लोगों का स्कूल का छुट्टी होता था तब ऑलमोस्ट 4:30 तो हो ही जाता था, और उन लोगों के स्कूल से लाल कोठी तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 15-20 मिनट चलना पड़ता था। तो जिस दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वो लोग लाल कोठी में जाएंगे, उस दिन स्कूल का बेल बजते ही वो लोग तुरंत निकल जाते हैं लाल कोठी में जाने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे,
देखने के लिए कि क्या वहाँ पे सच में कुछ हॉन्टेड भूतिया चीज है या फिर लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। तो ऑलमोस्ट 4:30 बजे स्कूल के छुट्टी होते ही श्रेष्ठा और उसके 4 दोस्त लाल कोठी के लिए रवाना हो गए। तो उस दिन श्रेष्ठा जब स्कूल से लाल कोठी की तरफ जा रही थी, तब रास्ते में उसको एक आइसक्रीम का शॉप मिला था और उसने एक आइसक्रीम भी लिया था। तो वो आइसक्रीम खाते खाते लाल कोठी में गई। आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये आइसक्रीम की बात क्यों बोल रही हूँ, बट गाइस ये आइसक्रीम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के इंसिडेंट में, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड सिर्फ श्रेष्ठा ही नहीं, श्रेष्ठा के फ्रेंड्स लोग भी आइसक्रीम खरीदे थे, वो भी आइसक्रीम खाते खाते ही जा रहे थे। जब वो लोग उस लाल कोठी में पहुंचे तब ऑलमोस्ट 5 बजने ही वाला था। तो जब वो लोग लाल कोठी के सामने गए तब तो उन लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन लोगों को लगा कि नॉर्मल सा एक पुराना हवेली है, एकदम थोड़ा सा अबंडेंट है, कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए इतना गंदा हालत है। अगर कोई रहता तो शायद इससे अच्छा ही होता, तो शायद इसके अंदर कुछ नेगेटिव या फिर कुछ हॉन्टेड होगा नहीं। तो उन लोगों के मन में तो बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ था, तो उन लोगों ने सोचा कि वो लोग हवेली के अंदर भी जाएंगे। और जब वो लोग लाल कोठी के अंदर कदम रखे तब अचानक उन सबको ना थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मतलब होता है ना कि थोड़ा बॉडी भारी भारी लगने लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा है। हालांकि वो लोग अंदर जाने से पहले बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, फिर भी अंदर जाने के बाद ना उन्हें काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। उनमें से एक लड़की थी काव्या। काव्या बहुत ज्यादा ब्रेव थी, तो काव्या ने सबको बोला, यार कुछ भी नहीं है, तुम लोग डर रहे हो खामखा, इसीलिए ऐसा तुम लोगों को फील हो रहा है, मत डरो, चलो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। और इस हवेली का जो छत है ना, वहाँ पे तो मुझे जाना ही है, आई एम श्योर कि इसका जो छत है वो बहुत सुंदर होगा। उस लाल कोठी में 2 फ्लोर्स थे, जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे 1-2 कमरे थे। तो श्रेष्ठा और उसके सारे फ्रेंड्स पहले ग्राउंड फ्लोर के सारे कमरे को देख रहे थे। ग्राउंड फ्लोर के जो रूम्स थे ना, वो रूम्स एकदम खाली थे, थोड़ा यहाँ वहाँ थोड़ा गंदा सामान पड़ा हुआ था, इवन कुछ कुछ जगह में ना हड्डियां भी गिरे हुए थे। और ये देख के श्रेष्ठा की एक फ्रेंड तनु बहुत ज्यादा डर गई। तब काव्या ने उसे बोला कि हो सकता है कि कोई कुत्ता हड्डी खाते खाते यहाँ पे आया था और उसी ने ये सब हड्डियां इकट्ठा करके रखा है। तो उन लोगों ने काव्या के बात मान लिया। फिर वो लोग जब फर्स्ट फ्लोर पे गए तब उन्होंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे ना 2 रूम्स थे और दोनों रूम के दरवाजे एकदम अच्छी तरह से अच्छे कंडीशन में थे। थोड़ा बहुत धूल मिट्टी लगा हुआ था, बट ऐसा नहीं था कि दरवाजा बिल्कुल टूटा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जबकि पूरा बिल्डिंग ऑलमोस्ट टूटा टूटा हुआ था, ईंटें दिख रहे थे, बहुत ही बुरी हालत में था, बट दरवाजे अच्छे कंडीशंस में थे। जो पहला रूम था फर्स्ट फ्लोर में, उसका दरवाजा ना एक बार धक्का देते ही खुल गया। तो उन लोगों ने सोचा कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही थोड़ा बहुत डर रहे थे। तो उन्होंने देखा वो बिल्कुल नॉर्मल रूम था, थोड़ा इधर उधर गंदगी फैली हुई थी। फिर वो लोग उस रूम से बाहर आके जो नेक्स्ट दूसरा रूम था ना फर्स्ट फ्लोर का, उस रूम का दरवाजा खोलने गए। और जब वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश किया तब वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उन्होंने पहले अच्छे से नोटिस नहीं किया था, उस दरवाजे का जो लॉक था ना, मतलब नॉर्मल कुंडी होता है, उस कुंडी में किसी ने ना एक पतला सा रस्सी बांध के रखा था। वो जो चेन होता है लोहे वाला, वैसा चेन नहीं। तो वो लोग सोच रहे थे कि यार किसी ने मजाक किया होगा, ये रस्सी तो हम ऐसा करेंगे तभी ये टूट जाएगा। एंड गाइस काव्या ने सोचा कि चलो यार ये रस्सी मैं तोड़ूंगी एंड हम लोग इस रूम के अंदर जाएंगे, हम जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो काव्या ने उस दरवाजे की कुंडी की रस्सी तोड़ दी। जब वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की ना, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो लोग काफी प्रेशर डाल रहे थे बट वो दरवाजा ना आसानी से खुल ही नहीं रहा था। बट काफी प्रेशर डालने के बाद वो दरवाजा खुल गया एंड वो लोग उस रूम के अंदर चले गए। वो रूम देखने में तो बाकी रूम्स की तरह ही था, थोड़ा इधर उधर कचरा, गंदगी, थोड़ा बहुत ईंट गिरा हुआ था, बट उस रूम का जो टेम्परेचर था ना, वो बाकी रूम से बहुत ज्यादा ठंडा था। मतलब उन लोगों को उस रूम के अंदर जाके ही ना अजीब सा एक कपकपाहट फील हो रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सर्दी अचानक बढ़ गई है। उन लोगों ने सोचा कि शायद अभी शाम होने वाला है ना, इसीलिए टेम्परेचर ऐसे ड्रॉप कर रहा है। एंड तो जिस आइसक्रीम के बारे में मैं आपको बोल रही थी कि आइसक्रीम का एक मेन रोल है स्टोरी में,
श्रेष्ठा के सारे दोस्त ना जब लाल कोठी में घुसने वाले थे तब उन सब ने ना आइसक्रीम खा के खत्म कर दिया था। बट श्रेष्ठा बहुत धीरे धीरे आइसक्रीम खा रही थी तो वो आइसक्रीम खाते खाते ही लाल कोठी के अंदर चली गई। सारे रूम्स में भी वो आइसक्रीम खाते खाते ही घूम रही थी एंड इस रूम में भी जब वो गई तब वो आइसक्रीम खाते खाते ही गई थी। पर जब उसे उस रूम में इतना ज्यादा ठंड लगा ना तब उसने सोचा कि यार मुझे ये आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, शायद मुझे सर्दी हो जाएगा। तो उसने अपना आधा खाया हुआ उस आइसक्रीम को लाल कोठी की उस अजीब से कमरे में फेंक दिया एंड ये उसकी अभी तक की सबसे बड़ी गलती थी। उन लोगों ने अच्छे से रूम को घूम लिया, वो लोग इवन छत पे भी गए एंड छत पे ना बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए थे, मतलब बहुत ही बुरा हालत था छत का भी, तो वो लोग ज्यादा टाइम नहीं थे। जब शाम होने ही वाला था तब वो लोग वहां से जल्दी जल्दी निकल गए एंड वहां से निकलने के टाइम पे ना श्रेष्ठा को अचानक ऐसा लगा उसके पीछे से कोई उसे फुसफुसा के बुला रहा है एंड वो भी श्रेष्ठा बोल के नहीं बुला रहा था, उसका निकनेम था श्रेया और उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई उसे श्रेया ऐसे बोल के बुलाया। श्रेया ने जब पीछे मुड़ के देखा उसने देखा कोई भी नहीं है, तो श्रेया ने सोचा कि ये उसका वहम था। तो वो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर चली गई। घर जाने के बाद भी उसे कुछ भी वैसा अजीब नहीं लगा। पर उस दिन रात को श्रेष्ठा को बहुत तेज बुखार आया और उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, उसको बार बार उल्टी हो रहा था, उसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया था बॉडी का। तो उसने दवाई लिया, उसकी मम्मी ने उसे दवाई दी एंड गाइस मैं आपको बता दूं श्रेया का ना पापा नहीं था उस टाइम पे, उसका पापा का बहुत पहले डेथ हो गया था और उसकी मम्मी एक वर्किंग वूमन थी, तो वो ना सुबह सुबह ऑफिस चली जाती थी और वो शाम को वापस आती थी, मतलब काफी रात को वापस आती थी। नेक्स्ट डे श्रेष्ठा का बुखार कम हो गया एंड सुबह सुबह उसकी मम्मी ऑफिस चली गई एंड श्रेष्ठा भी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। जब वो रेडी हो रही थी तब अचानक उसे ऐसा फिर से फील हुआ कि उसके दाहिने कान में कोई श्रेया ऐसा बोल के बुलाया। उसने फिर भी सोचा कि यार मैं ना वहां पे गई थी कल, इसीलिए मैं डर रही हूँ, शायद इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। जब वो खाने के लिए बाथरूम गई तब बाथरूम के अंदर भी उसे ऐसा लगा कि उसके दाहिने कान में कोई बोल के बुलाया। गाइस उसने सोचा कि यार मैं घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ, इसीलिए मैं ज्यादा डर रही हूँ। वो स्कूल चली गई। जब वो स्कूल में थी उसके साथ उसके सारे दोस्त भी थे, तब भी सबके होते हुए उसे अचानक उसके कान में फिर से किसी की फुसफुसाने का आवाज आया, जैसे कि कोई फुसफुसा के उसे श्रेया बोल के बुला रहा है। उस दिन वो स्कूल से घर वापस नहीं गई, वो स्कूल से सीधा मेरे घर आई, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड हमेशा मेरे घर में कोई ना कोई तो मेरे साथ होता ही था। तो जब वो मेरे घर में आई और मेरे रूम में आई, उसने मुझे ये पूरा स्टोरी बताया एंड मेरे साथ ना मेरी सिस्टर भी थी, तो हम दोनों ने जब ये स्टोरी सुना हम दोनों को तो लगा कि यार हो सकता है कि सच में उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल ही हो रहा हो। एंड गाइस जब श्रेष्ठा हमारे साथ थी ना तब भी उसको वो फुसफुसाने का आवाज आ रही थी एंड जब श्रेया ने हमें ये बोला तुम्हारे रूम के अंदर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ अभी कोई है और वो मेरे दाहिने कान में फुसफुसा के मुझे बुला रहा है, क्योंकि जब ये मैंने सुना था ना मेरे मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई थी, मुझे लग रहा था कि मेरे रूम के अंदर कोई है, मैं आपको बता भी नहीं सकती वो फीलिंग कैसा था। एंड वो उस दिन जब उसकी मम्मी घर वापस आई ऑलमोस्ट 8 बजे, तब वो घर गई मेरे घर से एंड उसने उसकी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी ने सोचा कि यार ठीक हो जाएगा, पूजा पाठ करवाया उन लोगों ने अपने घर में, बट फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एंड जब मैं ये सुनती थी ना मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता था उसके लिए कि उसे इतना प्रॉब्लम होता है पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती इसका। फिर उसकी मम्मी उसे एक मस्जिद में लेके गई। उस मस्जिद का जो पीर बाबा थे उसने उसको अच्छे से देखा एंड श्रेष्ठा को देखने के बाद उसने ये बोला कि इस लड़की के ऊपर ना किसी बुरी आत्मा का साया है और ये बुरी आत्मा आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और पीर बाबा ने ये भी पूछा कि क्या तुम अपना कोई सामान उस कोठी में छोड़ के आई थी। तब श्रेष्ठा को याद आया कि वो जो आइसक्रीम खा रही थी वो आइसक्रीम वो उसी कोठी के अंदर छोड़ के आई है। एंड जब उसने ये बोला तब पीर बाबा ने उसे एक ताबीज दिया एंड गाइस वो ताबीज पहनने के बाद से ना श्रेष्ठा को और कभी भी वो आवाज वो फुसफुसाना सुनाई नहीं दिया। पर आपको पता है आज भी श्रेष्ठा को अपने इस कान में ना सुनने में प्रॉब्लम होती है। वो बुरी आत्मा का साया तो शायद उसके ऊपर से चला गया पर वो साया उसकी सुनने की क्षमता को भी छीन के ले गया। तो
इसलिए ना आज भी उसे इस कान से थोड़ा कम सुनाई देता है, बट फिर भी मैं बोलूंगी यार ये भी बहुत बेटर है किसी बुरी आत्मा का फुसफुसाना सुनने से। गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये सच में ये किसी बुरी आत्मा का साया था या फिर कुछ साइंटिफिक इसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है? आई डोंट नो कि इसको साइंस कैसे जस्टिफाई करेगा इस चीज को, क्योंकि जब हम लोगों ने ये सुना था ना, मतलब मेरी पूरी फैमिली ये स्टोरी जानती है, मेरी मतलब हम लोग के सारे फ्रेंड्स ग्रुप ये स्टोरी जानते हैं कि हम लोगों के आंखों के सामने हुआ था। तो आई डोंट नो, मतलब जब भी मैं ये स्टोरी याद भी करती हूँ ना, मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं, आई स्वेयर। तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड गाइस आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है, देन मैं आपका स्टोरी भी ज़रूर वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ आज इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।